अब मैं आता हूं अगली टिप्पणी पर, अगले प्रश्न पर। अगली टिप्पणी और अगला प्रश्न है इन्हीं भक्त का। आपको ध्यान होगा मैंने अभी हाल में एक वीडियो आपके साथ साझा किया था, हंसी मजाक में भी ना बोले ऐसी बात। उसमें कहा गया था कि हंसी मजाक में भी कोई नकारात्मक बात ना कहें, जब भी कहें अच्छी बात कहें। ये ना सोचे कि आप निर्धन हैं, ये सोचे कि आप धनवान हैं। ये आपके सोचने, आपके मन मस्तिष्क में ये बात बिठाने के लिए ये बात बताई गई थी। परंतु हाँ, और जो बाहर के लोग हैं, जो आपको हीन दृष्टि से देखते हैं, उनके समक्ष अपने आप को हीन ना होने दें, ये सब समझना आपके लिए अच्छा था। और यदि आप अपने आप को धनवान, सकारात्मक, अच्छा समझेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तो इन्हीं भक्त ने मुझसे प्रश्न किया, इनकी टिप्पणी में यह था कि मां काली का कोई ऐसा नाम दो जिसे चलते फिरते जाप कर सकूं। तो ये तो मैंने बता दिया कि आप जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली का जाप कर सकते हैं। अब उनका प्रश्न था कि यदि कोई अभाव होगा, अभाव यानी कमी होगी, तो अपने देवताओं से नहीं मांगेंगे क्या? क्योंकि अभाव में यदि हम नहीं मांगेंगे तो देवताओं को पता कैसे चलेगा कि हमें क्या चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि देवताओं को पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। मां हो या देवी देवताओं हो, आप अपने घर में जब आप छोटे रहे होंगे, जब आप बोल नहीं पाते होंगे, तो एकदम आप नवजात शिशु रहे होंगे, तो क्या आप अपने माता पिता से बोलकर कुछ मांग पाते थे? परंतु आपके माता पिता को कैसे पता चल जाता था कि आपको क्या चाहिए? माता पिता जिस प्रकार एक नवजात शिशु की सारी बातों को समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, उसी प्रकार मां काली हो, आपके इष्ट देवी हो, देवता हो, सभी आपकी आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं। तो इसलिए उनसे मांगने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से नहीं है। हां, आपको बीच बीच में आग्रह करना पड़ता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, छोटा शिशु जब बड़ा होने लगता है, उसे खेलने के लिए कुछ चाहिए, माता पिता को पता है कि उसे चाहिए, परंतु माता पिता भी उसके बोलने की प्रतीक्षा करते हैं जिससे वह बच्चा बोलना सीखे, बोलने का प्रारंभ हो। तो ऐसी स्थिति में आपको भी मां पिता से, इष्ट देव से, इष्ट देवी से मांगना चाहिए, हमेशा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में, अपने बच्चों के सामने, अपने पत्नी या अपने पति के सामने या अपने पड़ोसियों के सामने अपनी समस्याओं का रोना शुरू कर दें। आपके पास जो समस्या नहीं भी है और आपने कहना शुरू कर दिया कि मुझे ये समस्या है, ऐसी समस्या है, तब यहां पर देखिए, देवी देवता ये समझते हैं कि इस व्यक्ति को इस चीज से, इस समस्या से लगाव होने लगा है। फिर से मैं बचपन की ओर आता हूं। यदि आपके किसी बच्चे ने, जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जब उसे सही मार्ग पर लाने के लिए थोड़ा बहुत दंड भी दिया जाना शुरू कर दिया गया है, दंड दिए जाने लगे हैं उस बच्चे को, और बच्चे ने कोई भूल कर दी, आप उसके पास गए उसे दंडित करने के लिए, आपने दंडित नहीं किया, दंडित करने की तैयारी कर रहे हैं, उसे डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं कि अभी मैं दंडित करूंगा, और बिना दंडित किए यदि वो बच्चा रोने लगे, चीखने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सामान्य तौर पर उसके माता या पिता, संभव है कि वो पहले दंडित करने का भय दिखा रहे हो और दंडित ना करते। परंतु यदि बिना दंडित किए यदि बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ऐसी अवस्था में तो उसके माता पिता उसे अवश्य दंडित करते हैं। बिना दंड के यदि तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हें दंडित करूं। इसी प्रकार यदि आप किसी समस्या में हैं, उस समस्या का रोना न रोएं। यदि किसी कारणवश आपके पास बहुत अधिक धन नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, फिर भी इस बात का ढिंढोरा ना पीटें, रोएं नहीं। घर में दरिद्रता का
आभास ना करें, ये समझें कि ये जो समय है ये बीतेगा और हम सबसे धनवान होंगे, हमारे जीवन में हर कार्य सकारात्मक होगा। उन भक्त ने यह भी पूछा कि यदि हम कहेंगे कि बहुत पैसा है, पैसा नहीं है और मेरा बेटा कार मांगेगा तो क्या करेंगे। तो यहां तो देखिए हर घर की कहानी अलग होती है, कैसे आपको उसे व्यवस्थित करना है ये आपको तय करना है। हर बात के लिए कोई गुरु या मां हमेशा आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता, जितना आपको बता दिया गया उसी के आधार पर आपको अपना आगे का मार्ग चुनना होगा। जब मैं छोटा था मेरे माता पिता ने मेरा मार्गदर्शन किया, मैं विद्यालय गया, मेरे गुरुओं ने, शिक्षिकाओं ने, शिक्षकों ने मेरा मार्गदर्शन किया, परंतु आज वो मेरा मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं। मां आपके साथ भी है, हमारे साथ भी है, सबके साथ है। मां का मार्गदर्शन हमेशा रहता है, उस मार्गदर्शन को समझने की आवश्यकता है। मां संकेत हमेशा देती है, अब संकेत को आप किस तरह से पकड़ते हैं, समझते हैं, ये आपको तय करना है। यदि आपके घर में किसी बच्चे ने किसी बात का हट कर दिया, अब क्यों आपने पूछा कि वो कार मांगेगा, तो बच्चा हेलीकॉप्टर भी मांग सकता है, हवाई जहाज भी मांग सकता है, तब आप क्या कहेंगे? आपके पास यदि इतना धन है कि आप कार खरीद सकते हैं, आपका बच्चा आपसे हेलीकॉप्टर मांगेगा, तो इसे तो आपको नियंत्रित करना है। मैं तो बस मां के बताए तरीके से मार्ग बताने का कार्य कर सकता हूं, आपके प्रश्नों की, जिज्ञासाओं की जो चिंताएं हैं उन्हें शांत करने का प्रयास कर सकता हूं। पूरी तरह से शांत करना मेरे भी हाथ में नहीं है।